नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। जैसा कि रंजीत साहब ने कहा, एक नई जोड़ी है राघव, जो नया लड़का हीरो है, हीरोइन नहीं है। प्रोड्यूसर बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत शोमैन है, और रमेश नैयर जी जो फिल्म में भी बहुत अच्छा खर्चा किया और पब्लिसिटी बहुत अच्छी की है और फिल्म अच्छी बनी है, और यही वजह है कि हम लोग दुआएं दे रहे हैं, दोनों भाई आज निकले हैं। और पब्लिक का रिएक्शन जो है, पब्लिक का रिएक्शन तो सिटियां बजा रहे थे, हमने देखा। जब हम गए बॉम्बे साइड तो हमारा चुपके से पर्दे के पीछे जाकर खड़े हो गए थे ताकि पब्लिक डिस्टर्ब नहीं हो। तो हंसी रहे थे, सिटी भी बजा रहे थे, पब्लिक का रिएक्शन बहुत अच्छा। जब थिएटर में सिटी बजती है तो आई थिंक इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। अब चूंकि रमजान का महीना चल रहा है, फिर भी मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है इंशाल्लाह अच्छी चलेगी, और ये दोनों जोड़ी जो है बहुत आगे जाए, ऐसी दुआएं देने हम लोग आए। और जरूरी है करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे आपको ऑलराउंडर होना जरूरी है। आप पिच पे उतर रहे हो तो आपको डिफेंस भी आना चाहिए, बॉलिंग भी आनी चाहिए, क्रिकेट में सब कुछ आना चाहिए आपको। एक क्रिकेट टाइप की गेम है ये, एक आप पिच पे उतरे हो आपको बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ आना चाहिए। इस इंडस्ट्री में किसको बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं आप? सर, मैं किसी को कॉम्पिटिटर में ऐसे नहीं लेता हूँ सर, मैं सबसे सीखना चाहता हूँ, सबसे सीख रहा हूँ, और मैं सबसे वही चाहूँगा अगर वो भी मुझे कुछ राय दे तो मैं सीख ही सकता हूँ, मैं किसी को कॉम्पिटिशन में नहीं लेना चाहता। 4-5 मूवीज की है, तो भोजपुरी मेरे लिए फर्स्ट फिल्म थी। ऐसा नहीं है, बट ये एक बहुत बड़े लेवल पे बनने जा रही थी जिसमें ऑलरेडी बॉलीवुड के इतने सारे लोगों ने काम किया है, तो व्हाई नॉट, अगर कुछ अच्छा बनेगा तो डेफिनेटली करेंगे। गीता के मांग बरल तो दूर, अगर तुहार द्वार पूजा भी हो गई ना तो मान जाए कि तुम मर्द वाड़े। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि फिल्म आप ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने कोशिश करी है थोड़ा रूटीन फिल्मों से अलग बनाने की, एक बिल्कुल पारिवारिक फिल्म बनाई है। तो आप लोग ये फिल्म देखें और मुझे बताएं कि मेरी क्या क्या खामियाँ हैं और मैं क्या क्या इसमें अच्छा करके आपको और एंटरटेन कर सकूँ। उद्देश्य की बात तो निर्माता बताएंगे, एक उद्देश्य ये भी था कि अपने बेटे को एक सही प्लेटफॉर्म देना है, और भोजपुरी में इन्होंने अपने बेटे को उतारा, बहुत हिम्मत की, क्योंकि जो स्थापित कलाकार आजकल तक चल रहे हैं भोजपुरी में, उनके आगे एक नए हीरो को लेके आना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और उस चैलेंज को रमेश जी ने बहुत ही बखूबी उतारा है। और इस फिल्म के प्रमोशन के लिए मैंने बहुत दिन बाद देखा कि भोजपुरी में कोई इस लेवल पर प्रमोशन कर रहा हो। जिस तरह से पूरे मुंबई शहर में होर्डिंग्स लगाए गए हैं, बिहार में ये प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, 1 जून से पिक्चर बिहार में रिलीज है, तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और एक नए हीरो की लॉन्चिंग के लिए पूरी प्लानिंग के साथ आना, ये इनको फायदा भी दे रहा है। मेरे को लगाव है और भोजपुरी भाषा बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं देखो बॉलीवुड का भी काम करता हूँ, इवेंट्स का भी काम करता हूँ, मैं किसी से मिलता हूँ तो लोग भोजपुरी के लिए सीधा बोलते हैं कोई भी पिक्चर करा लो भोजपुरी मत कराओ। तो मैं क्यों कहते हैं ये लोग चीप फिल्म बनाते हैं, ये बनाते हैं। तो मैंने उसी दिन ठाना कि सबसे पहले मैं रिस्क लूंगा, अपने बेटे को लॉन्च करूंगा तो भोजपुरी बनाऊंगा, और एक साफ सुथरी पिक्चर बनाऊंगा जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़े और लोगों को ये लगे भोजपुरी भी तेलुगु तमिल पंजाबी बंगाली का मुकाबला कर सकती है अगर आप साफ सुथरी अच्छी पिक्चर बनाओ। तो मैंने वो रिस्क लिया एक अच्छी साफ सुथरी फिल्म बनाने के लिए, अपने बेटे पर रिस्क लिया। एक कारण और भी था, पिछले साल लंदन में भोजपुरी अवार्ड थे तो मैं वहाँ पे गया था गोविंदा जी को लेके, तो पवन सिंह से मेरी बात हुई बेटे को पिक्चर लेने की शुरू करने की,
तो पवन सिंह जैसे मैं इंडिया वापस आया तो पवन सिंह ने मुझे उसके पिताजी की डेथ हो गई थी तो पवन सिंह ने मेरे को घर पे बुलाया। मैं डायरेक्टर के साथ उसकी पिक्चर लेके गया, पिक्चर की स्टोरी लेके गया तो उसने मेरे को अपने कोई प्राइस प्रूस की जो भी बात थी नखरे ऊपर नीचे दिखाए सारी बातें बार्गेनिंग चली। उसने मेरे को एक ऐसी बात बोली जो मेरे को बहुत बुरी लगी। उसने कहा पिक्चर तो कर लूंगा भैया, एक्चुअल में ना पिक्चर में बहुत बड़ा रिस्क है ना, क्या है कहता नए हीरो के साथ काम करना है। तो मैं जो एडवांस लेके आया था उसे उठा लिया, मैं उस बंदे की गलती थी जिसने तेरे को लॉन्च किया था। तो उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैंने पिक्चर बनानी है और उससे बढ़िया तरीके से बना के रिलीज करनी है। पुराने प्रोड्यूसर बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन वो क्या फंस जाते हैं, हीरो को साइन करते हैं ना बाद में हीरो नखरे करता है, मेरे तो यही हीरो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, क्यों उन्होंने लिया होता है मजबूरी में फंस जाते हैं। तो मैं रिस्क ले रहा हूँ, मेरा बेटा उन प्रोड्यूसर का हीरो बनेगा जिसको किसी की दिक्कत ना है। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।